आज से लगभग 450 करोड़ साल पहले हमारी इस धरती का जन्म हुआ और 350 करोड़ साल पहले पहला यूनिसेलुलर क्रिएचर का इस पृथ्वी में उद्गम हुआ और हम मनुष्य आज से सिर्फ 56 लाख वर्ष पूर्व इस धरती पर आए और तब से आज तक हमने करोड़ों रहस्यों को सुलझाया। पर अंतरिक्ष की जब बात होती है तो यह मानव के लिए एक चुनौती बनी हुई है, पर हम मनुष्य ने अपनी कल्पना के बल पर इस पृथ्वी से इतने दूर जा चुके हैं जितना कि हमारी ये प्रकाश अब तक नहीं गई। तो आज के इस वीडियो में मानव कल्पना की थोड़ी झलक दिखाता हूँ और हम जानने की कोशिश करेंगे कि हमारे मिल्की वे गैलेक्सी या अदर गैलेक्सीज के सेंटर में क्या होती है और क्या हो अगर हमारी सौर मंडल या हमारी ये पृथ्वी हमारी गैलेक्सी के सेंटर के करीब में हो। तो आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बिग बैंग के धमाके के बाद हमारे यूनिवर्स में कई गैलेक्सीज का निर्माण हुआ जिसमें से हमारी मिल्की वे का जन्म लगभग 1380 करोड़ साल पहले हुआ जिसमें हमारी सोलर सिस्टम एग्जिस्ट करती है और मिल्की वे के सेंटर से हमारी सोलर सिस्टम की दूरी लगभग 25,640 प्रकाश वर्ष यानी हमारे सूर्य की प्रकाश को मिल्की वे के सेंटर तक जाने में 25,000 साल से भी ज्यादा का वक्त लग जाता है। खैर मनुष्य अभी तक इतना विकसित तो नहीं हुआ कि उतने दूरी तक जा सके, पर कुछ प्रेडिक्शन और कैलकुलेशन के जरिए हमने पता किया कि उतनी दूरी में क्या स्थित है। दरअसल कार्ल जॉन्स्की ने 1931 में अपने रेडियो एंटीना के जरिए कुछ बड़ी मात्रा में रेडियो वेव को गैलेक्सी के सेंटर से आते देखा और तब से उसकी उत्सुकता गैलेक्सी की सेंटर की ओर बढ़ी और सन 1933 में उन्होंने सेजिटेरियस ए स्टार की खोज की। दरअसल सेजिटेरियस ए स्टार हमारी गैलेक्सी के सेंटर में पाए जाने वाले सुपर मैसिव ब्लैक होल है जिससे मैसिव अमाउंट में एक्सरे और गामा रे इमिट हो रही थी और इसी ब्लैक होल के चक्कर हमारा सूर्य और बाकी स्टार लगाते हैं। हमारा सूर्य इसकी एक चक्कर लगभग 250 मिलियन साल में लगाती है। ये मैसिव ब्लैक होल का मास हमारे सन से 43 लाख गुना के बराबर है और अन्य ब्लैक होल की तुलना में हजारों गुना बड़ा और शक्तिशाली है। पर अब सवाल ये उठता है कि क्या हमारी ये सोलर सिस्टम एक दिन इस ब्लैक होल की चपेट में आ जाएगी? यदि आप सेजिटेरियस ए स्टार के करीब में आए तो आपको अपने आसपास में बहुत से तारे देखने को मिलेंगे, लगभग हमारे सौर मंडल में मौजूद तारों से हजारों गुना ज्यादा। उन तारों के आसपास जीवन की संभावना लगभग नामुमकिन है क्योंकि सेजिटेरियस ए स्टार से आने वाली रेडिएशन वहां मौजूद प्लैनेट्स को पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर देगी। दोस्तों आपको ये जानकर खुशी होगी कि हमारे सोलर सिस्टम की सेजिटेरियस ए स्टार से दूरी हैबिटेबल जोन में आती है अर्थात उस दूरी तक रेडिएशन को असर उतना नहीं होता। पर जैसे ही हम हैबिटेबल जोन को पार करेंगे तो सबसे पहले पृथ्वी का चुंबकीय बल असंतुलित हो जाएगा और पृथ्वी पर मौजूद हर वस्तु अंतरिक्ष में उड़ते जाएंगे। पर फिर भी यदि किसी तरह पृथ्वी पर टिके रहें तो कुछ प्रकाश वर्ष दूर जाने के बाद खुद पृथ्वी भी रेडिएशन की चपेट में आ जाएगी और कुछ ही सेकंड में हमारी ये पृथ्वी धूल में परिवर्तित हो जाएगी। पर हमारा ये सन अभी भी एनर्जी इमिट करेगा और ये बहुत ही डेंस होता जाएगा और मैसिव ब्लैक होल के सामने आते ही अन्य तारों के साथ इसका मैसिव होल में विलय हो जाएगा और इस प्रकार हमारा सोलर सिस्टम की भी मृत्यु हो जाएगी। पर यही अंत नहीं है मानव कल्पना की। अब हमें ये जानना है कि आखिर इस मैसिव होल के अंदर क्या है। पर अगले वीडियो में